इस समय हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में समाचार छपा था कि जो चुनाव हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इसलिए कि जो भी काम है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का वो मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। अगर मैनेजमेंट कमेटी नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं होता, और जिनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है तो उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो आज हम यही एडवोकेट से पूछने के लिए आए हैं कि ये जो चुनाव हैं होने चाहिए और कितनी जल्दी होनी चाहिए, यही हम आज बातचीत करेंगे जितने भी एडवोकेट्स हैं हमारे यहाँ पे। अब्दुल जी बताइए कि ये चुनाव हैं जो कि टेन्योर ख़त्म हो चुका है, जो पहले जो मैनेजमेंट कमेटी थी एसोसिएशन थी बार की, तो अब ये चुनाव होने चाहिए जितनी जल्दी हो सके। हाँ जी, इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि हमारे जो बार की प्रॉब्लम है, हम हमारे प्रेसिडेंट भी नहीं आ रहे और जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है वो आती नहीं यहाँ पे, इसलिए हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम किसी को बताएं, कोई बताने के लिए किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करे जो है ही नहीं कोई, इसलिए बार के हमारे इलेक्शन होने चाहिए। जो उन्होंने कहा कि होने चाहिए चुनाव, जरूर होने चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी या बार एसोसिएशन ही जो कोर्ट के जो अपने वकील साहबान की जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करती है, आप भी तो आप क्या कहते हैं कि चुनाव होने चाहिए? चुनाव बिल्कुल होने चाहिए जी। एक्चुअली जी भी कोई एग्जीक्यूटिव इस टाइम कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने टेन्योर खत्म हो चुका है, और अगर कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होएगी तो असं अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं दस सकते। सैकेंडली मैं ये भी कहूँगा कि काम भी खोला जाए, तरीके नाल खोला जाए ताकि आम वकील नूं भी काम मिले ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। तो इन्होंने कहा कि जो वकील साहबान हैं उनका जो कोर्ट है ज़्यादा से ज़्यादा खुलनी चाहिए ताकि सभी को जो कारोबार वगैरह मिल सके। गगनदीप जी कहते हैं कि चुनाव होने चाहिए ने क्योंकि जो पुराने जो अपना टेन्योर खत्म हो चुका है एसोसिएशन का, तो इंटरेस्ट भी घट जाता बंदे का। तुम की चाहते हो कि होने चाहिए चुनाव? देखो ये गल बिल्कुल सही है कि जी सा पुरानी एग्जैक्टिव बॉडी है वो जी टेन्योर है वो खत्म हो चुकी है, सो इस करके जिहड़ी साडी एग्जैक्टिव बॉडी हुंदी है इट इज़ ओनली टू रिप्रजेंटेटिव ऑल द एडवोकेट्स एंड टू सोल्व देयर प्रॉब्लम्स। साढ़े वकील भाईचारे जिहड़े भी वकील साहबान नूं कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम नूं अगे तक लैके जाना साडी एग्जैक्टिव बॉडी का काम है। इस टाइम जिहड़ी साडी मौजूदा लास्ट जिहड़ी एग्जैक्टिव बॉडी सी उहदी टेन्योर खत्म हो चुकी है, सो इस करके हुण जिहड़ियां सानूं अगे प्रॉब्लम्स आ रही ने उन्हां नूं अगे लैके जाण लई सानूं एग्जैक्टिव बॉडी चाहिए, उहदे लई सानूं इलैक्शन जिहड़े ने उह जरूरी ने, ते अगों तां जो साडी जिहड़ी नवीं एग्जैक्टिव बॉडी है उह बण सके ते अगों साडा जिहड़ा जिहड़ी प्रॉब्लम्स हैगियां ने उह सोल्व हो सके। सितंबर दे विच ऑनलाइन इलैक्शन करवाउण दी यानी कि आवाज़ आई हैगी, न्यूज़पेपर च न्यूज़ भी आई हैगी, तुसीं इहदे नाल सहमत हो कि होनी चाहिए चुनाव? बिल्कुल इलैक्शन होनी चाहिए, किसी भी वे में होवे इलैक्शन होनी चाहिए है। सानू एग्जैक्टिव बॉडी नवी मिलनी चाहिए है जो साडियां प्रॉब्लम जजां तक पहुँचावे, क्योंकि असीं चार पाँच महीने सफर करते पए हैं, साडी प्रॉब्लम कोई नहीं सुनता पिया, साडे कोल साडी एग्जैक्टिव होएगी तां ही साडा मसला जिहड़ा सैशन जज कोल जां हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट कोल जाएगा ते साडियां प्रॉब्लम सॉल्व होणगीआं। जिहड़े कोर्ट खोलियां चाहीदियां सारियां? बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल हीयरिंग स्टार्ट होनी चाहीदी है, असीं फॉर द लास्ट सिक्स मंथ सफर करते पए हां और सारे एग्जैक्टिव जिन्ने साडे लॉयर ने सब की फाइनैशियल कंडीशन भी बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, फिजिकल हीयरिंग होएगी तां ही प्रॉपर जस्टिस मिलेगा लोगों को, लोगों लई भी फिजिकल हीयरिंग होनी जरूरी है। तुहाडा कहने का मतलब है कि चुनाव होने चाहिए है, जी नवी मैनेजमेंट कमेटी आऊगी एसोसिएशन आऊगी वो अपने आप ही काम देखोगी, पब्लिक जी अपने प्रॉब्लम है एडवोकेट्स पूरा करूगी, तुम की कहना चाहते बारे? मैं यही कहना चाहना भी इलेक्शन करानी मैंडेटरी है, करानी चाहिए, पुरानी एग्जैक्टिव की जी टर्म सी वो खत्म हो चुकी है, जे टर्म खत्म हो चुकी कोई भी बंदा सानू हुण रिप्रजेंट नहीं कर रहा, जिहड़े साडे प्रधान साहब ने उन्होंने कभी भी चार पाँच महीने उन्होंने पता ही नहीं वकीलों की कोई सू नहीं ली, जे नवी बॉडी आऊगी ता ही कोई काम अगे चलूगा, असं किनू जाके अपनी शिकायतें दस सकते हैं भी कोर्ट चाहे हो रहा नहीं हो रहा, तो इलेक्शन करानी बहुत जरूरी आई थी हालात। मैं तो इन्होंने बताया कि जो अपने पास्ट प्रेजिडेंट थे जो अभी भी वैसे चल रहे हैं वो प्रेजिडेंट हैं अभी भी बार के, तो वो अभी कोर्ट में नहीं आ रहे, तो कहते हैं हम किसे जाके अपनी प्रॉब्लम बताएं कि हमारी को ये प्रॉब्लम एडवोकेट्स को, आप भी एडवोकेट्स हैं जहाँ पर, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे की ये चुनाव होने चाहिए ऑनलाइन हो चाहे कैसे भी हो? हाँ बिल्कुल, इलेक्शन जरूर होने चाहिए क्योंकि जो पुरानी जो इलेक्शन का टेन्योर था कमेटी का वो सारा खत्म हो चुका है, और इस टाइम हम जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे पास कोई भी ऐसी कोई बॉडी नहीं है, गवर्निंग बॉडी कुछ भी नहीं है जिसको हम जाके कह सके अपनी प्रॉब्लम्स, सो इन माय व्यू भी इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो कैसे भी हो, इलेक्शंस मस्ट। तो इन्होंने कहा कि जब टेन्योर खत्म हो जाता है किसी भी चीज़ का वो टेस्ट ही खत्म हो जाता है, तो जो पुरानी एसोसिएशन थी हमारी मैनेजमेंट कमेटी की उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, और कोविड-19 के कारण जो चुनाव डिले हो गए हैं, तो अब ये कहते हैं एडवोकेट्स जो कोर्ट खुले लग गए हैं तो एडवोकेट जहाँ पर आने लग गए हैं तो चुनाव होने चाहिए। जो हमारे कोर्ट हैं वहाँ पर काम चल रहा है, जजेज चार पांच ही आते हैं, लेकिन 40-50 कोर्ट हैं जहाँ पर हमारे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, और 2500-3000 के करीब हमारे यहाँ एडवोकेट जो प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये कोर्ट पूरी खुलनी चाहिए?
देखो इस तरह हैगा लास्ट डेज़ दे विच भी असी एक रिप्रजेंटेशन सैशन जज साहब नू दे के आए सी उहदे विच एक ए भी सजेशन सीगा साडा भी जिवें घट कोटा खुलदियां ते उत्थे रश देखण नू ज़्यादा मिलदा आपां एक पासे कह रहे हां भी सोशल डिस्टेंस होनी चाहीदी है दूसरे पासे जे कोटा घट खुलणगियां जां घट जजिस बैठणगे तां आटोमैटिकली है कि उस कोर्ट दे बाहर रश होएगा सो इस करके सजेशन एक उदों भी दित्ती सी कि ज़्यादा कोटा ज़्यादा जजिस बैठणगे तां रश जिहड़ा हैगा उह रिड्यूस हो जाएगा इस तों अलावा होर भी काफ़ी सजेशन दित्ते सी जिवें कि एक सजेशन सीगा कि फिजिकल प्रेजेंस तों बिना जिहड़े काम चल सकदे ने उह काम भी चलाए जा सकदे ने जिवें कि केसां दे विच कोई जवाब दावा देना है कोई छोटी मोटी मिसलेनियस एप्लीकेशन है उहदा जवाब देना है उहदे ते बहस होनी है वो उस बारे जिहड़ी रिप्रजेंटेशन दित्ती सी वो बड़े वैल्यूएबल सजेशन सीगे कि जिन्हां कम्मां दे विच फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत तो बिना भी आपां कम्म कर सकते हैं। तुसीं की कहना चाहते हो? मैं कहना चाहना कोर्ट्स इन्नी देर लई बंद करके असी नहीं रख सकते इंसाफ हर एक का हक है इंसाफ सब नूं मिलना चाहिए जे कोर्ट्स इन्नी देर लई बंद होणगे लोकां नूं बहुत परेशानी का सामना करना पै रहा है जिवें मेरे फादर दोस्त ने गगन जी ने कहा भी कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन से ऑर्डर है ये तो विदाउट फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है भी एक बंदा जाके कोई एप्लीकेशन दे रिप्लाई ले समन चले जान ये काम बहुत जरूरी ने सरकारी जो 50% जाने के कहते 50% के तो है हाँ जी काम कर सकते हो थोड़ा कहने का मतलब 50% तो कोटा खुल जानी है 50% की तो सिर्फ 5-10% खुल दी ने जो समन भी आई है कोई भी समन आप तमील करा रहे हैं इशू भी हो रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू बड़ों का कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होना फिर केस तो सारे रुके हुए हैं बिल्कुल ही रुके हुए हैं। चुनाव है सितंबर में जाने के ऑनलाइन करवाने के लिए एक मुहिम जाने के न्यूज आई है अखबार में तो आप चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए नई मैनेजमेंट कमेटी आनी चाहिए ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मेरे हिसाब से जल्द तो जल्द इलेक्शन होने चाहिए है नवी एग्जैक्टिव बॉडी जी सिलेक्ट करनी चाहिए है तो कोई भी जो एडवोकेट की प्रॉब्लम आ रही है उसनों जी प्रेफरेंस दे के हल किया जा सके तो बिना प्रेजिडेंट तो वाइस प्रेजिडेंट तो यह मसले हल नहीं हो सकते इसलिए मेरा यही आ पंजाब एंड हाईकोर्ट नूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया नूं भी कि जल्द तो जल्द जिहड़े आ इलेक्शन करवाए जाण। एक कहिंदे ने भी अपने जिहड़े हैगे सीनियर एडवोकेट ने जिहड़े कहिंदे सी ऑनलाइन वोट पा नहीं सकते हैगे उहनूं मोबाइल ही चलाना आंदा ये की कहिंदे पए ने? देखो ऑनलाइन भी एक वधिया किया जा सकता उपराला कि जरूर ऑनलाइन भी मेरे हिसाब के नाल कामयाब हो सकते हैं इलेक्शन कोई ये कोई ऐसी गल नहीं हैगी एक बार किसी को समझा दिता जाए कि तुसी इस जरिए वोट जी वह पा सकते हो वोट तो मैं समझता सीनियर एडवोकेट भी डेफिनेटली वोट पा सकते हैं। तो तुसी देखो अपने जो एडवोकेट्स ने देखो अगर बढ़ना चाहिए अगर डिजिटल इंडिया है तो अपन डिजिटल काम सीखना चाहिए कोई तो वर्कशॉप वगैरह लगा के जो कहते सानू नहीं आते वोट पानी तो उन्होंने सिखा दिता जाए तो वोट ऑनलाइन पैनी चाहिए ने सितंबर के भी कहना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल जी ये होना चाहिए वै बाकी जी डिफिकल्टी कहते जी वोट पाने की नहीं पता वो तो इन्ना कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट मैटर नहीं है तो दस दिता जाए सिर्फ ऑनलाइन जाके इस प्रोसीजर है वै वो असी हल हो सकता है तो वो असी पूरे हक चाह कि ये इलेक्शन होने चाहिए वकीलों की प्रॉब्लम तो ही सोल्व हो। कोई भी सरकार है एसोसीएशन है सोसाइटी है मैनेजमेंट के बिना नहीं चलती जो हमारी एसोसिएशन की जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मैनेजमेंट का टेन्योर खत्म हो चुका है लोगों का इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है तो हमारे साथ एनडी चोपड़ा ये कई इलेक्शन लड़ चुके हैं प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन लड़े हैं इन्होंने तो हमें बताएं कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं इस सिचुएशन दे विच सारे वकील भरावां नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि वी मस्ट कोऑपरेट फॉर द इलेक्शन इलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ा लंबा समा हो गया बार साड़ी ज़्यादा होण करके जे कोई प्रॉब्लम है तो इट कैन बी इन टू पार्ट्स दो पार्ट विच कर लियो दो हिस्सों विच इलेक्शन हो जाए बट ऑनलाइन इलेक्शन जी है करवाउण की प्रपोजल चल रही है दैट इज़ नॉट गुड। चुनाव होनी चाहिए चुनाव मस्ट भी जरूरी होने चाहिए तो चौधरी जी ने बताया कि चुनाव जरूर होने चाहिए ताकि जो हमारे वकीलों की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए नई मैनेजमेंट कमेटी आगे आ सके। देखो तो एडवोकेट्स कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए हाँ मैनेजमेंट कमेटी नवी आनी चाहिए इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए क्यों नहीं होने चाहिए मैनुअल वोटिंग होनी चाहिए जो भी माहौल ठीक चुनाव तो होने चाहिए ना उदा तो होने चाहिए चुनाव होने चाहिए यानी मैनेजमेंट कमेटी नवी आनी चाहिए है ना नवी आनी चाहिए क्योंकि टेन्योर पूरी हो चुकी वैसे कोई शिकायत नहीं सानू इस मैनेजमेंट कमेटी ने पर उन्होंने टेन्योर पूरी हो चुकी है नवियां नू मौका देके देखिए कि अगे की बन सकता। और देखा अभी हमने जो एडवोकेट्स हैं उनसे बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि चुनाव जरूर होने चाहिए टेन्योर खत्म हो चुका है जो ओल्ड बार एसोसिएशन थी उनका समय खत्म हुआ क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो चुनाव होने चाहिए जरूर होने चाहिए। सभी एडवोकेट्स ने अपने अपनी राय में यह कहा है कि जो नए आएंगे उनमें नया उत्साह होगा नया काम करने का जज्बा होगा तो चुनाव होने चाहिए
जल्द से जल्द हों। यही हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना के जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके विचार थे। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।